हमारे भारत में कुछ लोग अच्छी शिक्षा तो कुछ लोग अच्छे पैसों के लिए अपने घरों को छोड़कर बाहर जाते हैं। इनमें से कुछ लोगों को खाना बनाना आता है और कुछ लोगों को नहीं आता है। तो ऐसे में जो लोग टिफ़िन सर्विस का बिजनेस करते हैं उनके लिए ये एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि ऐसे लोग केवल टिफ़िन पर निर्भर रहते हैं। अगर वो होटल का खाना खाते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ता है और इतना स्वाद भी नहीं आता है। अगर उन्हें घर जैसा खाना चाहिए तो उनके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है और वो होता है टिफ़िन सर्विस का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरीके से अपना खुद का एक टिफ़िन सर्विस का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम टिफ़िन सर्विस के बारे में शुरू से लेकर अंत तक एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ग्रेट हेल्प के माध्यम से जो चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं वो शायद ही कहीं और आपको पता चले। सबसे पहले यहाँ बात करें कि किसी भी बिज़नेस को अगर आप चला रहे हैं तो उसकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि आपने उस बिज़नेस को किस जगह पर शुरू किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकेशन की। अगर आप टिफ़िन बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, टिफ़िन सर्विस के बिज़नेस को, तो इसके लिए आपको एक ऐसे लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर अधिक से अधिक विद्यार्थी और वर्कर रहते हों जो कि बाहर से आए हों काम करने के लिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप मज़दूर जहाँ रहते हैं उनके पास जाकर इस बिज़नेस को शुरू करेंगे, तो काफ़ी कम केसेस हैं कि वहाँ पर आपका टिफ़िन सर्विस बिज़नेस चल पाएगा। ऐसे लोगों को आपको फाइंड करना है जो कि आईटी सेक्टर वगैरह में हैं या कुछ गवर्नमेंट जॉब में हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं रूम लेकर रहते हैं या प्राइवेट कोई बड़ी कंपनी है उसके आसपास काफ़ी सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो कि रहते हैं रूम्स में, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उन्हें सेल करेंगे अपने टिफ़िन को, वही आपके कस्टमर्स होंगे। इसलिए आपको ऐसे जगह से शुरू करना है जहाँ अधिक से अधिक लोग आपको मिल सके, और आप किसी हॉस्टल या कॉलेज के बाहर भी शुरू कर सकते हो जहाँ पर बाहर से लोग आए हुए हैं और रहते हैं जिन्हें खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बिज़नेस के लिए अगर हम लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सर्वप्रथम आपको उद्योग रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसके बाद आपको शॉप या सेंटर का रजिस्ट्रेशन ऑनरशिप के आधार पर करना चाहिए, इसके बाद हम बात करें तो आपको FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये बेसिकली तीन तरीके से होता है, पहला रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरे नंबर पर इसका स्टेट लाइसेंस होता है और तीसरे नंबर पर सेंट्रल लाइसेंस होता है। रजिस्ट्रेशन तब होता है जब आप 12 लाख से अंदर कमाते हो एक साल के अंदर। अगर 12 लाख से ऊपर आप जाते हो तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना होगा, और 20 लाख के ऊपर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप केवल रजिस्ट्रेशन करवाते हो मतलब 12 लाख से अंदर हो तो आपका केवल 100 रुपये खर्च होने वाला है, पर यहाँ अगर हम बात करें कि आप स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस लेते हो तो आपको यहाँ एक मोटी रकम देनी पड़ सकती है। पर शुरुआत में आप इतना ज़्यादा कमाओगे इसकी कोई संभावना नहीं है, और ना ही कोई भी इंसान शुरुआत में एकदम से इतना ज़्यादा कमाना शुरू कर देता है। तो आपको केवल 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना है और आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। इसी के अलावा यहाँ पर आपको फायर डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ेगी। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से यहाँ NOC इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि आप यहाँ पर एक फूड रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको फूड बनाने के लिए आग जलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब किसी भी ऐसे बिजनेस जिसमें आग की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए आपको फायर डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ती है। यदि आप टिफ़िन सर्विस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी सेटअप्स होते हैं जिनको आपको कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो फर्नीचर, डेस्क, कंप्यूटर, ऑनलाइन ऑर्डर के लिए टेबल, टिफ़िन के डब्बे, भोजन बनाने वाली जितनी सामग्रियाँ होती हैं, बर्तन, तेल, मसाले, सिलेंडर, सब्जी, फल और भोजन से जुड़ी जितनी सामग्री होती है, इन सभी आवश्यक सामग्रियों को ठीक प्रकार से सेटअप कर लेना है, आपको ले आना है और उसके बाद आप इस बिज़नेस को शुरू करेंगे। तो इसकी लिस्ट सबसे पहले आपको बनानी होगी। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ मिसिंग ज़रूर हो जाएगी इसमें। और कुछ ज़रूरी सामान की बात करें यहाँ पर तो आपको ख़रीदना है जैसे सब्जियाँ, बर्तन, तेल, मसाले, सिलेंडर, गैस, टिफ़िन बॉक्स इत्यादि चीज़ें आपको ख़रीद लेनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों को आप लिख भी सकते हैं। अगली चीज़ की बात करते हैं जो टिफ़िन बिज़नेस को सबसे खास बनाता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, वो है आपका मेनू। अब मेनू आपको बनाना ही पड़ेगा, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ अगर आप मेनू बनाते हैं तो मेन्यू में परिवर्तन भी करते रहना पड़ेगा समय दर समय। अगर आप मेनू में परिवर्तन नहीं करेंगे तो जो भी लोग हैं जो आपका भोजन लेते हैं वो बोर हो जाएंगे कि भाई एक ही तरीके का खाना हफ्ते भर खाना पड़ता है।
तो आपको मेन्यू में परिवर्तन करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फीडबैक भी लेते रहना पड़ेगा अपने कस्टमर्स का हर हफ्ते कि इस हफ्ते खाना कैसा रहा, इस हफ्ते खाने में कोई दिक्कत हुई क्या, और अगर कोई दिक्कत हुई तो वो दिक्कत क्या थी, उसे आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही कई सारी चीज़ें। यहाँ आपने अगर सब कुछ रख लिया है तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आपको ज़रूरत है डिलीवरी बॉय की। अगर आपके घर में खुद दो तीन लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि डिलीवर कर सकते हैं हर जगह टिफ़िन, तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको कम से कम एक से दो डिलीवरी बॉय रखने पड़ेंगे आवश्यकता के अनुसार कि कितने लोग आपके साथ कनेक्ट हैं। अगर 30-40 लोग समथिंग कनेक्ट हैं तो आप एक डिलीवरी बॉय से काम चला सकते हैं, पर अगर इससे अधिक लोग हैं तो आपको दो डिलीवरी बॉयस रखने होंगे। और बिज़नेस शुरुआत करते समय आपको अपने 5 किलोमीटर के अंडर में ही अपने बिज़नेस को शुरू करना है। जैसे जैसे आपके कस्टमर्स ज़्यादा होते जाएंगे वैसे वैसे आपको एरिया अपना बढ़ाना है। इसमें हमें पैसे कैसे मिलते हैं और कितने मिलते हैं इसकी बात करते हैं। तो टिफ़िन सर्विस बिज़नेस में आप पेमेंट सिस्टम दो तरीके से रख सकते हैं। पहला, कूपन सिस्टम। इस पेमेंट के मेथड में ग्राहक आपसे कूपन ले लेता है, फिर उसको जब जब भोजन चाहिए वो आपको कूपन देकर टिफ़िन ले लेता है। दूसरा होता है हमारा मंथली सिस्टम। इस सिस्टम में ग्राहक को फुल महीने का पैसा देना होता है। अब कभी ऐसा हुआ कि वो मूवी देखने चला गया थिएटर और घर पर नहीं मौजूद है, पर फिर भी उसको उस दिन का पेमेंट देना पड़ेगा, भले वो आपसे खाना रिसीव करे या ना करे, उसको फुल मंथ की पेमेंट देनी ही देनी पड़ेगी। उसने खाना रिसीव नहीं किया वो उसकी गलती है, पर उसका खाना बनाया गया था इसीलिए हमारे पैसे लगे हैं, इसलिए हम उससे पूरे पैसे लेंगे। तो ये सिस्टम होता है मंथली सिस्टम में। टिफ़िन सर्विस बिज़नेस में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगता है इसकी बात करें, टिफ़िन सर्विस सेंटर बिज़नेस में शुरुआत में लागत उसके रॉ मटेरियल यानी सब्जी, बर्तन, तेल, मसाला, टिफ़िन, डिलीवरी बॉय, पेमेंट, खाने की लागत को लेकर सब लगभग 15,000 से 20,000 के आसपास लग सकती है। और बड़े पैमाने पर इस बिज़नेस को अगर आप शुरू करते हैं तो समथिंग 50,000 रुपये तक आपके लग सकते हैं। इसमें अगर हम अर्निंग की बात करें तो टिफ़िन सर्विस सेंटर में मुनाफा लगभग टिफ़िन की प्राइस के आधार पर होता है, लेकिन शुरुआत में लगभग 30,000 तक मुनाफा हो सकता है। और जब हमारे साथ ज़्यादा कस्टमर्स जुड़ जाते हैं और हम बड़े पैमाने पर अपने बिज़नेस को फैला लेते हैं तो ये 60,000 से 70,000 रुपये तक भी जाता है। और अगर आप किसी बड़े सिटी में हैं जहां अधिक से अधिक वर्कर रहते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर आपको इस बिज़नेस को करना है तो आप 1,00,000 रुपये तक भी मंथ का बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से टिफ़िन बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।